गाइस ये है मोटर का टर्मिनल है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्मिनल है। अभी मोटर में साइड में आपने को 2 कनेक्शन करते, एक स्टार में कनेक्शन करते और एक डेल्टा में कनेक्शन करते। पहले आपने मैं आपको स्टार में कैसे होता है मोटर साइड में कनेक्शन, मैं आज आपको ये वीडियो में बताऊंगा। चलिए देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्मिनल है, 3 वाइंडिंग का 6 टर्मिनल है। पहले आपने को ये जो लिंक है ना, देखिए ये जो दो लिंक है, अपने को कोई भी आइधर देखिए, ये ऊपर वाला 1 2 3 और नीचे वाला 1 2 3, ये तीनों को, नहीं तो ये तीनों को कोई भी आपने जगह पे शॉर्ट कर देना है। सपो देखिए मैं नीचे वाला को मैं शॉर्ट कर दिया, देखिए नीचे शॉर्ट कर दिया, ये हो गया अपना स्टार कनेक्शन। देखिए इधर आपने को आर वाई भी लगाना है, नहीं तो आपको इधर भी एस आई डी आर वाई भी, नहीं तो एस आई डी आर वाई भी है ना। मैं इधर लिंक मार दिया। जो स्टार कनेक्शन पे पर वाइंडिंग को आपने 220 वोल्टेज में ऑपरेटिंग करते, ये जो आपने जो इधर जो लिंक मारा, इधर आपने को न्यूट्रल मिल जाता है ना, ये है स्टार कनेक्शन। अभी मैं आपको बताऊंगा डेल्टा कनेक्शन है ना। चलिए डेल्टा कनेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ, ये लिंक को निकालता हूँ। देखिए ये लिंक को मैं निकाल दिया है ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा डेल्टा कनेक्शन कैसे होता है। देखिए ये तीनों लिंक आपने को ज़रूरत है। देखिए ये 6 टर्मिनल है, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्मिनल का 3 वाइंडिंग का, 3 वाइंडिंग की जो है मोटर में जो 3 वाइंडिंग आता है उसके 6 टर्मिनल है। ये 6 टर्मिनल को आपने देखिए, ये आमने सामने ऐसे ही आपने को ये पट्टी लगा देना है, ये जो पट्टी है आमने सामने लगा देना है, पूरा सीधा ही लगाना है ना। ये जो डेल्टा कनेक्शन आपने जो करते, ये जो पर वाइंडिंग को आपने 440 वोल्टेज में ऑपरेटिंग करते, ये जो मोटर का जो वाइंडिंग आता है, जो 3 वाइंडिंग को है, ये पर वाइंडिंग को आपने 440 वोल्टेज देते। देखिए इधर आपने को आर वाई बी लगाना है, नहीं तो ए साइड आर वाई बी, इधर ऊपर लगाना है आर वाई बी, नहीं तो ये ऊपर लगाना है आर वाई बी, नहीं तो नीचे लगाना है आर वाई बी, आप कोई भी साइड में आर वाई बी लगा सकते हैं। चलिए ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक बाय बाय।